स्वदेश वाणी। प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन के उपलक्ष्य में निरसा के लोयला स्कूल में बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने इस दिन को खास बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। एक से बढ़कर एक बाल कलाकारों ने प्रभु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नृत्य, संगीत और ड्रामा प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया तथा प्रभु ईसा मसीह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों और संदेशों को जन जन तक पहुँचाया। इतिहासों में उल्लेख है, 25 दिसंबर को ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्रिसमस शब्द का जन्म क्राइस्टस माई से अथवा क्राइस्टस मास शब्द से हुआ है। ऐसा अनुमान है कि पहला क्रिसमस रोम शहर के 336 ईस्वी में मनाया गया था। यह प्रभु के पुत्र जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को याद करने के लिए पूरे विश्व में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह ईसाइयों के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है, लेकिन अब इसे पूरे दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्वदेशवाणी के लिए निरसा से अनुजीत सेन की रिपोर्ट। A culture of camaraderie, I'm using that big word, The culture of camaraderie, a culture of fraternity, culture of sisterhood, which binds all the people, the whole humanity into the bond of love. That is the idea of Christmas. So God gives that, and the purpose is uniting the whole world into one bond of love, in one bond of friendship. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।